आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। नियोजित शिक्षक, संविदा कर्मियों और अग्रण रक्षा दल कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनशन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 2016 ईस्वी से यह ग्राम रक्षा दल के लोग कार्य कर रहे। इसमें अपराध पर कुछ हद तक काबू भी किया गया, क्योंकि ये लोग शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक अलर्ट रहते हैं, ताकि कोई भी अपराधी या चोर या फिर डकैत किसी आम नागरिक के घर में घटना नहीं करे। इसके लिए यह ग्राम रक्षा दल कर्मी पूरी रात जाग कर आम लोगों को चैन की नींद सोने दे रखा है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत राम जानकी कॉलेज में ग्राम रक्षा दल के लोगों ने एक दिवसीय अनशन किया, जिससे नियोजित शिक्षक को जिस तरह से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक उसी तरह इन लोगों को सरकार अपने अंडर में करे। इसके लिए इन लोगों ने आज सैकड़ों की संख्या में एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे इन लोगों की भी मांग पूरी हो सके। सब लोगों ने सामाजिक दूरियों का ख्याल रखते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज विगत कई वर्षों से बिहार ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र कई वर्षों से काम कर रहे हैं अपने अपने थाना अध्यक्ष के निर्देशानुसार। रात्रि प्रहरी से लेकर के शराबबंदी, जुआबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अभी कोरोना वायरस जैसे महामारी से भी निपटने के लिए दिन रात मेहनत बिहार ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र कर रहे हैं, और न तो सरकार और न कोई बड़े पदाधिकारी बिहार ग्राम रक्षा दल का समस्या का कोई निदान अभी तक नहीं कर रहे हैं। मैं बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि चुनाव से पहले हम लोग का जो मानदेय स्थायीकरण जो मांग है देने का कृपा किया जाए, अन्यथा हम लोग भी चुनाव में आपको विरोध कर देंगे पूरे बिहार ग्राम रक्षा दल।